अहम खबर देंगे आपको। सरियाब रोड के करीब धमाका सुना गया है, टीमें जाय हादसे की जानिब रवाना हो गई हैं। पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू टीमें जाय हादसे रवाना हो गई हैं। कोयटा में सरियाब रोड वली जेट के करीब धमाका सुना गया है, रेस्क्यू टीमें जाय हादसे की जानिब रवाना हो गई हैं। पुलिस के मुताबिक ये बताया गया है कि रेस्क्यू टीमें जाय हादसे की जानिब रवाना हो गई हैं। सरियाब रोड वली जेट के करीब धमाका सुना गया है, पुलिस के मुताबिक रवाना हो गई हैं। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं कोयटा से, जहां पर सरियाब रोड वली जेट के करीब धमाका सुना गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा आबदा बलोच, हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबदा बताइएगा। जी बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक सरियाब रोड वली जेट धमाके धमाका हुआ है। धमाके की नौयत का ताल नहीं बता सकते, ताहम जो रेस्क्यू टीमें हैं वो जाय वकूआ की तरफ रवाना हो गए हैं। धमाके के हवाले से जो पुलिस है, पुलिस का यही कहना है कि धमाके की जो है इत्तला मिली है, ताहम जो जाय वकूआ है उसका भी चयन किया जा रहा है और धमाके की जो नौयत है उसका भी ताहल जो है बताया नहीं जा सकता। जी आप ये भी बताइएगा, सरियाब रोड के हवाले से कमर्शियल एरिया है आमतौर पर, क्या जाय वकूआ के हवाले से क्या? जी जी बिल्कुल, सर जो है रिहायशी इलाका भी है और वली जेट जो एरिया है यहाँ पर मुख्तलिफ जो कारोबारी मराकज है वो भी होते हैं, और रश के हवाले से बात की जाए तो ट्रैफिक और रश भी ज्यादा। हम जख्मियों के हवाले से और दीगर जो मालूम है इसके हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस के मुताबिक अभी तक सिर्फ जो है धमाके की इतला जो मिली है, ताम जाय वकूआ पर रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी गई है। जी आपदा, जैसे कि आपने बताया कि रश वाला इलाका है और ट्रैफिक की रवानी भी रहती है, सिक्योरिटी के हवाले से आमतौर पर यहाँ पर इस इलाके में क्या इंतजाम होते हैं?